नया IBN 7 हौसला है। IPL सीजन 8 की और इस साल पहली बार IPL में हिंदी में कमेंट्री होगी और क्या क्या नया होगा IPL में, इस बारे में हमने बात की है IPL के कमिश्नर राजीव शुक्ला से। IPL के नए कमिश्नर राजीव शुक्ला हमारे साथ हैं। राजीव जी, दोबारा आपने IPL की कमान संभाली, लेकिन पिछली बार जो अनुभव आपका रहा था बड़े दूसरे तरह के वातावरण में आपको इस्तीफा देना पड़ा, इस बार आप क्या नया करेंगे कि IPL और रोचक हो और ज्यादा लोग देखें? देखिए, पिछली बार एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, तो इसके बाद माहौल जैसा बना आपको पता है कि उसमें कई लोगों ने इस्तीफा दिया, उसमें मैंने भी इस्तीफा दिया था क्योंकि उसमें एक नैतिक जिम्मेदारी थी इस्तीफा देना। और उसके बाद इससे नेतृत्व ने महसूस किया कि जो है फिर से मुझे जिम्मेदारी दी जाए, तो उन्हें जिम्मेदारी दी है तो उनकी का जो भरोसा है उस पर खरा उतारने की कोशिश करेंगे। IPL को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास होगा और विश्व के हर कोने में इसको ले जाने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। विश्व के जो बेस्ट ब्रॉडकास्टर्स हैं TV नेटवर्क, उनके साथ टाई अप किया गया है और भारत में जो है हम 5 भाषाओं में इसका प्रसारण कर रहे हैं। पहली बार हिंदी में प्रसारण हो रहा है, तमिल, तेलुगु और बंगला में प्रसारण हो रहा है। इसके अलावा हम फैन पार्क आयोजित कर रहे हैं जिसमें लाखों लोग जाके ग्राउंड्स पे जो है मैच का आनंद ले सकते हैं। राजीव जी, आपने देखा है हर बार IPL जब आता है कंट्रोवर्सी लेके आता है। IPL को इंडियन कंट्रोवर्सी लीग भी कई बार लोग कहने लगते हैं, बचाने के लिए, बेटिंग रोकने के लिए क्या करेंगे इस बार आप, कुछ खास इंतजाम है? ये बात आपकी सही है कि IPL विवादों से जुड़ा रहता है, हर बार जो है कुछ ना कुछ विवाद इसमें हो जाते हैं, तो उनको रोकने के लिए जितने पहले से कदम उठाए जा सके वो कदम उठाते हैं, क्योंकि किसी के हाथ में तो कुछ होता नहीं कि कौन क्या कर रहा है। इतने हजारों लोग इसमें काम करते हैं, कौन एक व्यक्ति क्या कर रहा है किसी को पता नहीं चल पाता, लेकिन जितने कदम आप पहले से उठा सकें उठाने चाहिए। उसके लिए एंटी करप्शन यूनिट सारे कदम उठा रही है, हर टीम के साथ एक अधिकारी जो है एंटी करप्शन यूनिट का अटैच रहेगा, होटलों में सर्विलेंस रखने का काम होगा और उसके अलावा जो गवर्नमेंट एजेंसी है उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन रहेगा। राजीव जी, एक बात है कि बहुत संसद में भी हंगामा मना, IPL बड़ा प्रिय विषय है, हर जगह इस पे चर्चा होती है। संसद में एक बार चर्चा होती है, आपको याद है लेट नाइट पार्टीज आप लोगों ने बैन की, उसके बाद चीयर लीडर्स को लेके बहुत विवाद है कि उनको रखा जाए मैदान में, नहीं रखा जाए। कमेटी ने रिकमेंड किया है कि उनको न रखा जाए या रखा जाए, क्या उस बाबत कोई आप लोग फैसला ले? अभी उस पर कोई फैसला नहीं, IPL फ्रेंचाइजी इस पर छोड़ा गया था काम कि वो किस ढंग के चीयर लीडर्स रखना चाहते हैं। कई जगह उन्होंने बहुत ही डिसेंट तरीके चीयर लीडर्स कई जगह लोगों ने रखे थे, वहाँ की संस्कृति के हिसाब से, वहाँ के कल्चर के हिसाब से, तो वो फ्रेंचाइजी पे अभी तक है। अब इस मामले में अभी कोई उस तरह का निर्णय नहीं है, लेकिन IPL पार्टीज बैन रहेंगे इस बार में। लेकिन आप चाहते हैं कि डिसेंट कपड़ों में ही रहे IPL के चीयर लीडर्स, तो इससे विवाद नहीं होगा? नहीं, वो तो फ्रेंचाइजीज के ऊपर है, अभी से डिसेंट ही रहने की कोशिश होती है। आखिरी सवाल मेरा है कि सौरभ गांगुली की अगर बात करें, रवि शास्त्री की बात करें, IPL गवर्निंग काउंसिल में वो लोग भी आ गए हैं, राजीव शुक्ला कितनी मदद मिलेगी इससे IPL को चलाने में? नहीं, उससे बहुत मदद मिलेगी क्योंकि इन दोनों को गेम की तकनीकी और बारीकियों का बहुत ज्ञान है। दोनों कैप्टन रहे हैं भारत के और काफ़ी जो है इस मामले में समझ उनकी परिपक्व है, तो इन दोनों से जो इनपुट मिलेगा हमारे लिए बहुत वैल्यूबल होगा। तो राजीव शुक्ला जी थे, घूम फिर के सफलता इनके पास आई जाती है, BCCI का चुनाव हाल ही में लड़े थे उसमें असफल रहे थे, लेकिन एक बार फिर क्रिकेट में वापसी करते हुए IPL का चेयरमैन बने। कैमरामैन शशि के साथ अरुण सिंह, दिल्ली IBN 7।